हाय ट्रेडर, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। मकर संक्रांति के इस फेस्टिवल पे हम आपके लिए लेके आए स्पेशल ऑफ ऑन प्रीमियम चैनल। ऑफ ऑलमोस्ट 15% प्लस का है, जिसमें आपको 1 मंथ मेंबरशिप मिलती है ओनली 555 में और 3 मंथ्स की मिल रही है 1414 में। अदरवाइज प्राइसेज ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। या कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट एनालिसिस की। तो सबसे पहले निफ्टी अभी जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। यहाँ से स्ट्रेट मूव रीटेस्ट और एक कंसोलिडेशन। निफ्टी एक परफेक्ट पैटर्न बना रहा है किसी भी बुलिश स्टॉक में या इंडेक्स में जो होना चाहिए। यहाँ पे इसने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ऑलरेडी विद वॉल्यूम ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर डेली चार्ट पे आने वाले कुछ महीने या समय की बात करें तो यहाँ से ये एक फॉलो थ्रू देखे या इवन यहीं पे रीटेस्ट करके ये निकलता है तो अभी ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल्स पे। तो 15 मिनट का चार्ट अब अगर आप चेक करोगे तो इसमें हमारे साथ 3 सिनेरियो आते हैं और बायस हमारा पॉजिटिव साइड रहना चाहिए। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और इस रेंज के आसपास आप बोल सकते हो 21,750 के आसपास सपोर्ट लेता है तो पहली ग्रीन कैंडल के साथ एक बुलिश ट्रेड बन सकती है। सेकेंडली अगर ये फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे एक रेंज बना के 21,920 या बोल सकते 30 के लेवल को अगर ये क्रॉस करके निकलता है तो भी हमें मंडे को एक पॉजिटिव ट्रेड मिल सकती है। और अगर ये गैप अप ओपन होता है तो उसके बाद हमें एक फॉर्मेशन का वेट करना होगा, हम रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो इंट्राडे लेवल्स पे अगर बात करी जाए तो बैंक निफ्टी काफ़ी बेटर प्लेस्ड है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर आप इसके लेवल्स के चेक करोगे तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट बना रहा है। तो अगर ये फ्लैट या हल्का वल्का गैप डाउन ओपन होके और 47,008 या आप राउंड फिगर में बोल लो 47,900 को अगर ये क्रॉस करता है तो इसमें हमें एक बुलिश ट्रेड मिल सकती है। अगर आप इसका डेली चार्ट चेक करोगे तो डेली चार्ट में अभी तक इसने अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रूव नहीं की है, बट जैसे ही 48,430 या अगेन राउंड फिगर में 500 को ये क्रॉस करता है तो ये भी अपनी रैली को अगेन कंटिन्यू कर सकता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स। बट कुछ स्टॉक्स पे जाने से पहले आईटी सेक्टर जो हमारे फोकस में रहना चाहिए उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। अब अगर बात करें ब्रॉडर मार्केट की तो ब्रॉडर मार्केट में अभी काफ़ी स्ट्रेंथ है और एक से एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें भरपूर मिल रहा है। हम आप लोगों के साथ ऑलरेडी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स शेयर कर रहे हैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक अब हम डिस्कस कर लेते हैं मंडे के लिए वेक्टर फूड। वेक्टर फूड के एक पिछले लंबे समय से एक अच्छी रैली देते हुए आ रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और उसका भी लंबे कंसोलिडेशन में जा चुका, बट यहाँ पे उसने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया और अगेन एक रेंज को फॉर्म कर दिया है। अब जैसे ये 1212 को अगर क्रॉस करता है तो इमीडिएटली इसमें एक पॉजिटिव ट्रेड एक्टिवेट हो जाती है जिसका टारगेट ऑलमोस्ट 1340 के आसपास तक चला जाएगा। नेक्स्ट ब्रेकआउट इसमें 1350 के ऊपर है जहाँ पे आप इसको अपने फोकस में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट और फाइनल स्टॉक हमारे सामने आता है कंट्रोल प्रिंट। कंट्रोल प्रिंट एक मूव के बाद 20 डेमा के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे अगर ये एक बेस बनाता है तो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास ये काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा और 1000 के यहाँ से एक स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होगी फॉर द टारगेट ऑफ 1060। 1060 के ऊपर इसमें एक नेक्स्ट फ्रेश ब्रेकआउट है जहाँ आप इसको अपने फोकस में रख सकते हैं। फेस्टिव सीजन के डिस्काउंट का फायदा उठाना ना भूलें और सारे इंपॉर्टेंट लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दिस इज ऑल फॉर टूडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।